द्वारकाधीश। सब लोग स्वस्थ रहिए और अपनी दुनिया में अपने सपनों में मस्त रहिए। तो शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। आज का टॉपिक है, क्या है आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए? ऐसा क्या छुपाए रखा है उन्होंने दिल में जो आपको नहीं पता, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तीन डेक हैं, तीनों में से ही लेंगे हम 6 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड का। तो ये कार्ड बताता है कि आपको इन्होंने बताया है या नहीं, लेकिन ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। मतलब उनकी हर एक सुख दुख की बात वो शायद दिल ही दिल में आपसे शेयर करते हैं। इन जनरल भी शायद इनको आदत हुई हो सकती है कि अगर ये फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या फिर कुछ बातें उनको सताती हैं तो ये आपको कॉल या मैसेज करते हैं। तो आपके पर्सन की जो छोटी सी दुनिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं। अगर उन्होंने नहीं बताया है तो ये कार्ड बताता है और काफ़ी ज़्यादा उस दुनिया में ये आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, जहाँ पे आपके साथ दुनिया में शायद काफ़ी ज़्यादा घूमना भी चाहते हैं। मतलब ट्रैवलिंग का भी इस पर्सन को शौक़ हो सकता है। काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के बारे में भी इनके दिलो दिमाग में आपको लेके चलता रहता है। फिर है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। एसेस हमेशा अच्छे होते हैं। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए। मतलब आपको आइडिया भी नहीं है इतना ज़्यादा इनके दिलो दिमाग पे आपका, आप कह सकते हैं, असर छाया रहता है। ये काफ़ी कुछ इमेजिनेशन में तो खोए रहते हैं, ये तो हमने इस कार्ड में देखा है। और पैशनेटली भी काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में चलता रहता है, जो आपसे शायद बातें करते वक्त भी आपने नोटिस किया होगा, आप बातें करते रहते हैं लेकिन ये पर्सन सिर्फ सुन रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इमेजिनेशन में खोए रहते हैं। तो काफ़ी कुछ रोमांस से भी ज़्यादा जज्बात है इनके दिलो दिमाग में और ये ज़िंदगी में आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। फिर है द मैजिशियन। तो ये पर्सन आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है दिन रात मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, यानी कि यूनिवर्स से आपको मांगते रहते हैं। अगर इनके घर वाले भी पूछ चुके हैं कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है, तो चांसेस बन रहे हैं कि इन्होंने अपने घर वालों को आइडिया दे दिया है कि ये किसी से प्यार करते हैं। आपका नाम भले ही रिवील नहीं किया है लेकिन आइडिया तो दे दिया हो सकता है, क्योंकि ये जो सामने कप है वो बताता है कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक जज्बात है इनके दिल में आपके लिए। पेंटेकल बताता है कि इनके दिल की विश है ये आपको हमेशा के लिए पाले। साथ ही साथ सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है आप दोनों का कम्युनिकेशन लेवल भी अच्छा है, इन्हें भी आपसे बातें करना पसंद है। और शायद जब आपसे ये बातें करते हैं तो इनको भी आइडिया नहीं लगता कि वक्त कितना गुजर रहा है। और वैट रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो यहाँ पे कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी सिम्बॉल है। तो ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किंग है, मतलब ऑलरेडी इसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये उदास है इस एक पेंटेकल को लेके। तो वैसे ही शायद आपको पाना यही अब इनकी दिल की ख्वाहिश है, आप मिल जाएं। तो इनको जैसे लग रहा है कि इनकी दुनिया जो है वो पूरी तरह से अब खुशियों से भर गई है। तो ये बातें शायद उन्होंने आपको नहीं बताई हैं। फिर है सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस, बढ़ना तो ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे चाहते हैं, लेकिन कुछ मुसीबतें हैं या फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स है, ये उनके घर वाले भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से ये अब तक पैशनेटली आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी हालत में वो सब मुसीबतें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि इनका असली मकसद यही है कि ये आपको हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। हो सकता है इनके मुसीबत के वक्त में आपने अपनी तरफ से इनका काफ़ी ज़्यादा साथ निभाया है, जिस वजह से ये अपनी ज़िंदगी की आगे की जर्नी के बारे में सोचते हैं और उनको लगता है कि अगर कोई मेरा सुख दुख में साथ दे सकता है तो वो है सिर्फ आप। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट भी ये पर्सन करते हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। नेक्स्ट है आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ बातें आपके नेचर को है वो शायद आपको के पर्सन की समझ में नहीं आ रहे, जिस वजह से वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते, या फिर कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने ख्यालों में खोए रहते हैं और वो ख्याल कैसे आपके सामने रखे ये उनको समझ में नहीं आता। फिर है एक्सेप्ट, मे बी आपने उनको वो जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट किया है, यानी कि ना आपने उनका बैंक बैलेंस चेक किया, ना उनके पास घर है, गाड़ी है, ये सब देखा, आपने सच्चे दिल से इस पर्सन को चाहा और ये बातें जो आपने उनके बारे में एक्सेप्ट की है इसकी ये काफ़ी ज़्यादा सराहना करते, मतलब उनके दिलो दिमाग में ये बातें घर कर गई है कि मेरे पर्सन ने मुझे, मैं जैसा भी हूँ वैसा एक्सेप्ट किया है, जो शायद अब तक दुनिया में किसी ने भी नहीं किया था, जिस वजह से ये आपको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। फिर है स्पीचलेस, काफ़ी कुछ ये कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है जो ये कोशिश तो करते रहते कि मैं अपने पर्सन से ये कहूँगा या कहूँगी, लेकिन शायद इनका नेचर ही थोड़ा सा ऐसा है जिस वजह से आप सामने आते ही या फिर आपका कॉल मैसेज आते ही ये स्पीचलेस हो जाते हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि प्यार का असर इस तरह से इनके ऊपर छाया हुआ है कि ये ब्लैंक हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँगा या क्या कहूँगी, क्या कहने वाली थी, तो ये सब बातें वो भूल भी जाते हैं। फिर है बिलीव मी, तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनके दिल में आपको लेके क्या जज्बात है, और शायद इनके ऊपर किसी ने अब तक भरोसा नहीं किया था, मतलब कुछ ऐसे सपने शायद साकार करने के पीछे ये निकल पड़े थे जो बाकी लोगों को थोड़ा नादानी लग रहा था, लेकिन आपने उनके ऊपर यकीन किया तो इस बात के लिए भी वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं। फिर है प्रैक्टिकल, तो राइट नाउ ये कुछ प्रैक्टिकल मसलों की वजह से शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि करियर की कुछ छोटी मोटी रुकावटें हो सकती हैं, या फिर चांसेस बन रहे हैं कि पैसों को लेके कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, जो ये आपको नहीं बताना चाहते क्योंकि उनको पता है कि आप परेशान हो जाएंगे। किसी किसी का शायद बिजनेस वगैरह भी हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है लेकिन रिटर्न नहीं मिल रहा है, जिस वजह से ये कामकाज में उलझे रहते हैं और वो परेशानी आपसे शेयर नहीं करना चाहते। और फाइनल कार्ड है गॉसिप्स, तो शायद इनके घर में या फिर फ्रेंड सर्कल में ऑलरेडी आप दोनों को लेके गॉसिप स्टार्ट हो चुका है, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि अगर इन्होंने आइडिया नहीं दिया है कि आपका नाम क्या है तो शायद वो तो बता दिया है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो वो कौन हो सकता है, कैसे मिले हो सकते हैं, ये सब गॉसिप वो सुनते रहते और उसका मज़ा भी उठाते रहते क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि घर वाले या उनके फ्रेंड सर्कल वाले क्यूरियस हो रहे हैं और अपनी अपनी इमेजिनेशन से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पर्सन है तो है कौन। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी यादों में ये पर्सन भी खोए रहते हैं और साथ ही साथ इनके घर वालों को और इर्द गिर्द के दोस्तों को भी इन्होंने ऐसे ही उलझा के रखा है जिसका ये मज़ा उठाते रहते हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स, आई फील वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ मैजिक टुगेदर, तो यहाँ पे जैसे बिल्कुल वर्ल्ड के ऊपर कार्ड आया है तो उन्हें बस लगता है कि आपका साथ मिलना बाकी है, वो एक बार मिल जाए तो बस जादू सा छा जाएगा और ये सब कुछ कर पाएंगे जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं। नेक्स्ट है आई विश दैट
आई कुड अंडरस्टैंड यू बेटर। तो यहाँ पे भी आई डोंट अंडरस्टैंड के बाद ये कार्ड आया है, तो वो और ज़्यादा आपको समझना चाहते हैं, आपके दिल की गहराइयों के बारे में जानना चाहते हैं, आपके सपने हो, आपके सुख दुख से इस तरह से जुड़ना चाहते कि उन्हें ये एहसास हो कि हाँ मैं पूरी तरह से मेरे पर्सन के बताए बिना भी समझ सकता हूँ कि वो क्या चाहता है या वो क्या चाहती है। तो यही बस उनकी विश है। नेक्स्ट है, आई फील लाइक यू वेयर मेड स्पेशली फॉर मी। तो उनको दिल से ये महसूस होता है, जैसे मैजिशियन के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है कि ऊपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए आपको बनाया है। मतलब कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये ऊपर वाले को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भगवान मेरी कितनी ज़्यादा सुन रहे हैं कि मुझे जैसा पर्सन चाहिए था वो मुझे उन्होंने मेरी ज़िंदगी में दे दिया, और कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी भर की खुशियाँ वो मुझे दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपको पा के बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन खुश है। नेक्स्ट है, यू फुलफिल ऑल ऑफ माई नीड्स डिज़ायर एंड वॉन्ट्स। तो आपको देख के उनको ये एहसास होता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हैं, जो भी इनकी चाहते हैं, इनकी विशेष हैं, वो सभी पूरी होती इनको दिखाई देता है जब ये आपके ख्यालों में खो जाते हैं, यानी कि बस आप ही हैं वो बात जो इनकी ज़िंदगी में कमी है। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट अस टू बी क्लोज़र, वॉट कैन आई डू। तो आपके और ज़्यादा करीब ये आना चाहते हैं, और आप जैसे कि यहाँ पे आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू बेटर, तो आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद ये सब में भी वो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो प्यार और ज़्यादा गहराइयों से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और थोड़ा नज़दीक या बढ़ाने के बारे में भी इनके दिलो दिमाग में चलता रहता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो करे कैसे या फिर आपको ये बात कहे कैसे। और फाइनल कार्ड है, आई नो दैट यू आर पार्ट ऑफ माय डेस्टिनी। तो उन्हें लगता है कि आप उनकी किस्मत का एक पार्ट है, मतलब अपनी किस्मत में ये ऑलरेडी आपको ऐड कर चुके हैं, ना आपको अपनी किस्मत से जुदा करते हैं ना ही अपने दिल के कनेक्शन से जुदा करते हैं, तो आपको ऑलरेडी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लिया है। अब बस शायद आप कह सकते हैं कि प्रॉपरली आप दोनों का एक दूसरे को हाँ कह के घर वालों के सामने एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए शादी के बंधन में बन जाना बाकी है, बाकी तो ये पर्सन ऑलरेडी आपको अपना मान चुके हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।